दोस्तों आज मैं एक बार फिर से लावा ब्लेज की कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूं और आज हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी C30 से। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के प्राइस हम जान लेते हैं। तो 8699 रुपए में आपको लावा ब्लेज मिलता है, वही रियलमी C30 ये 3GB वेरिएंट है जो आपको मिलेगा 8299 रुपए में। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के बेसिक फीचर जान लेते हैं। लावा ब्लेज में आपको 3GB रैम प्लस 3GB वर्चुअल रैम दी गई है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, 13+2+ AI लेंस कैमरा, फ्रंट कैमरा आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का और बैटरी 5000 mAh की। वहीं रियलमी C30 में आपको 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, बैटरी इसमें भी बिल्कुल सेम 5000 mAh की मिलती है। दोनों मोबाइल के बॉक्स पैकिंग पर नजर डालें तो मोबाइल का डिजाइन आपको लावा ब्लेज में देखने को मिल जाएगा। सारे वेरिएंट यहां पर मेंशन किए हुए हैं और बैक साइड में भी आपको यहां पर लावा के सारे कलर वेरिएंट यहां पर देखने को मिल जाते हैं। कुछ हेडलाइन फीचर्स यहां पर दिए गए हैं। वहीं रियलमी C30 में आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में चैनल पर आए हो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहां पर रेगुलर लाता रहता हूं। तो बॉक्स हमने ओपन कर लिए हैं, शुरुआत लावा ब्लेज से करते हैं। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स जिसके अंदर आपको मिल जाता है फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर। इसके बाद आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें आपको फ्री सर्विस एट होम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसे हम साइड करें तो इसके बाद नजर आता है स्मार्टफोन, इसे भी फिलहाल साइड रख के अंदर देखते हैं। बॉक्स कॉन्टेंट में आपको एक चार्जर अडाप्टर, वही पुराना वाला चार्जर अडाप्टर है जो कि लावा नॉर्मली अपने सभी स्मार्टफोन में देता है, 10W का 5V 2A की आउटपुट रेटिंग के साथ। और इसके साथ आपको एक Type-C USB केबल मिल जाती है। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। अब आते हैं Realme C30 पर। सबसे ऊपर आपको एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसके बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और कवर आपको Realme C30 नहीं दे रहा है। ये मोबाइल फोन है, इसे भी फिलहाल साइड रख लेते हैं। अंदर आपको एक व्हाइट कलर का बड़े साइज का चार्जर अडैप्टर दिया गया है, लेकिन है ये भी 10W का 5V 2A की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलती है। इसके बाद एक व्हाइट कलर की, अरे ये तो नॉर्मल माइक्रो USB केबल दी गई है जबकि हमारा लावा Type-C USB केबल दे रहा है। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी सही आपको मिल जाती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। साइज देखें तो लगभग एक जैसा, थोड़ा सा छोटा है Realme C30 लावा ब्लेज से। दोनों पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है और कोई भी मोबाइल आपको पहले से स्क्रैच गार्ड नहीं दे रहा है। जब भी न्यू स्मार्टफोन परचेस करते हो तो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम लगा लीजिए, आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर भी कम बना रहेगा। दोनों की पावर को हमने एक साथ ऑन किया था, Realme C30 कब का ऑन हो चुका है जबकि हमारा लावा ब्लेज अभी भी ऑन होने के लिए तरस रहा है। कब होगा ये ऑन, ये देखिए दोस्तों पहला अंतर तो यहाँ पर यही नजर आ गया हमारा, ये अभी ऑन हो रहा है। तक हम इसका बैक पैनल देख लेते हैं। Realme C30 का जो बैक पैनल है बिल्कुल फ्लैन दिया गया है, जहां आपको लाइनिंग मिलती है, एंड पर रिजेस है, स्क्रैचेस नहीं आएंगे। नीचे Realme की ब्रांडिंग की गई है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको Realme C30 नहीं दे रहा है। ये दोस्तों अभी ऑन नहीं हुआ है, आई थिंक हमने इसमें BGMI गेम डाउनलोड किया था जिस वजह से इसकी सट्टी पट्टी गुल हो गई है, ये ऑन भी नहीं हो पा रहा। देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता है। और कैमरा सेटअप देखिए, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा लेंस दिया गया है, सिंगल कैमरा की तरफ चल रहे हैं अब सारी मोबाइल कंपनियां, पहले चार चार कैमरा चिपकाए, अब यहाँ पर सिंगल कैमरा से ही काम चला रहे हैं। यहाँ पर आपको एक LED फ्लैश लाइट मिल जाता है और मोबाइल का जो राइट कॉर्नर है यहाँ बिल्कुल प्लेन, जहाँ आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं, ऊपर की साइड बिल्कुल प्लेन कुछ नहीं। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिलती है जहाँ आप 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। मोबाइल के बॉटम में आपको एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। लावा का बैक पैनल भी देखें तो ऑन तो हुआ नहीं, अब जाके इस पर #ProudlyIndian लिखा हुआ आ रहा है। कितनी खुशी होती है जब हमारा ये #ProudlyIndian लिखा हुआ आता है। लेकिन दोस्तों ये क्या, हमने इसमें BGMI गेम डाउनलोड किया था, आज हमने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो बनाई इसकी गेम टेस्ट की, हालांकि गेम तो चला लेकिन काफ़ी ज़्यादा लैग भी हुआ, तो ये अभी भी ऑन होने के लिए तरस रहा है। तो दोस्तों लगभग आपने देख लिया कितना टाइम लिया इसने ऑन होने में, आई थिंक इसमें BGMI गेम को इंस्टॉल किया है तभी जाके ये इतना लेट खुला है। और इस पर हमने वाईफाई को कनेक्ट, ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं BGMI गेम को हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको गेम प्ले देखना है इसका तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं, या फिर टेक्निकल मस्ती शॉर्ट पर आप जाके देख सकते हैं, वहां पर हमने इसका पूरा गेमिंग टेस्ट किया हुआ है। बैक पैनल इसका काफी यूनिक सा मिल जाता है, ग्लास फिनिशिंग आपको इसके बैक पैनल में दी गई है और लाइट रिफ्लेक्शन काफी अच्छा है, बिल्कुल प्लेन बैक पैनल है। नीचे लावा की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, कैमरा सेटअप काफी
काफी यूनिक सा बिल्कुल आईफोन के जैसा दिया गया है, जहां आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और तीसरा आपको यह लेंस कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें भी आपको राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। अब दोनों मोबाइल को हमने तो बूट कर ही लिया है, तो इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी चेक कर लेते हैं। ये काफी ज्यादा लैग हो रहा है यहाँ पर, और ब्राइटनेस दोनों की ऑलरेडी फुल हो रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइटनेस आपको रियलमी C30 में थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। कलर भी ज्यादा अच्छे हैं रियलमी C30 के, और जो ब्राइटनेस है दोनों में आपको 400 निट्स की मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो रियलमी है इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। ज्यादा कोई फालतू प्री इंस्टॉल ऐप यहाँ भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। हालांकि ये तो यहाँ पर जोस नाम की ऐप भी यहाँ पर पहले से इंस्टॉल मिल रही है, जबकि हमारा जो लावा है वो इन ब्लोटवेयर ऐप प्री इंस्टॉल ऐप से कोई समझौता नहीं रखता। यहाँ पर स्क्रॉल अप करें तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूजफुल ऐप ही देखने को मिलेंगी, जो कि आपको रियलमी C30 में तो यहाँ पर कई सारे प्री इंस्टॉल ऐप भी और ब्लोटवेयर ऐप भी दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन के जो एज बेजल्स हैं वो सेम टू सेम मिलते हैं, कॉर्नर से बिल्कुल सेम, और नीचे थिक और नीचे जो चिन्ह है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा दोनों में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो 6.51 इंच की HD+ IPS LCD दी गई है लावा ब्लेज में, और रियलमी C30 में आपको 6.5 इंच की HD+ IPS LCD मिलती है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी आपको दोनों में 270 ppi की मिलती है। इसके अलावा हाइट देखें तो दोनों स्मार्टफोन की हाइट लगभग एक जैसी लग रही है, 164.7 mm की आपको लावा में, रियलमी में 164.1 mm की हाइट दी गई है। विड्थ जो है वो ज्यादा आपको लावा में मिलती है 76.3 mm की, और 75.6 mm की रियलमी C30 में। 8.9 mm की थिकनेस आपको लावा में और 8.5 mm की थिकनेस रियलमी में दी गई है। इसके अलावा दोनों मोबाइल पर 5000 mAh की बैटरी आपको लगी हुई मिलती है। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की, तो ये जो हमारा लावा है ये एंड्रॉयड 12 आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा जो अंदर सेटिंग का इंटरफेस है वो पहले के लावा स्मार्टफोन से काफी अलग देखने को मिलेगा। बीच में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है और यहाँ भी आपको काफी डिफरेंसेस नजर आएंगे। एंड्रॉयड वर्जन आप देख सकते हैं, स्टोरेज मीटर भी यहाँ पर दिया गया है, आपको स्टोरेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस स्टोरेज मीटर के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टोरेज, गेम हमने डाउनलोड किया है तो 1.9 GB का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरेज लिया हुआ है, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर 0 byte देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें प्रोसेसर 2 GHz का क्वाड कोर दिया गया है। आजकल ऑक्टा कोर मिलता है लेकिन अभी लावा क्वाड कोर पर अड़ा हुआ है, और जो चिपसेट है वो भी कम से कम 5 साल पुराना दिया है, जो कि कभी 5-6 हज़ार के मोबाइल में डाला करते थे MediaTek Helio A22, वही आपको 8,700 रुपये में यहाँ पर लावा दे रहा है। इसके अलावा 3 GB की वर्चुअल रैम आपको मिल जाती है, जिसे हम एक्टिवेट करना आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे कैसे इसको 6 GB का बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपको इसमें 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक पावर VR G8300 के मिलते हैं। इसमें आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256 GB तक ही बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का आपको इसमें दिया गया है। वहीं हम आए अब रियलमी C30 की ओर, तो इसमें जो सेटिंग का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा, जहां बीच में आपको अबाउट फोन सेक्शन मिलता है। यहां आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाती है अबाउट फोन सेक्शन के अंदर। रियलमी UI वर्जन गो एडिशन दिया गया है, एंड्रॉइड वर्जन 11 मिलता है, प्रोसेसर आपको 1.82 GHz का ऑक्टा कोर दिया गया है, यूनिसोक T612 का आपको इसमें चिपसेट मिल जाता है, जो कि नया चिपसेट है और लावा ब्लेज से काफी ज्यादा बेटर है। 3 GB रैम LPDDR4X की मिलती है आपको, इसमें कोई वर्चुअल रैम नहीं दी गई है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज और एक्सपेंडेबल मेमोरी, तो आप इसमें 1 TB तक का मेमोरी कार्ड इसमें घुसा सकते हैं आप, और जो स्टोरेज टाइप है वो भी इससे बढ़िया आपको UFS 2.2 का दिया गया है। इसके अलावा 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक Mali G57 के आपको इसमें भी दिए गए हैं। वहीं दोनों स्मार्टफोन का कैमरा भी ओपन करके देख लेते हैं, तो नॉर्मल मोड में हम कैमरा ओपन करेंगे। ये क्या, ये लावा कितना स्लो चल रहा है, तो यहां पर अरे यार हो गए हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा ओपन, और क्लैरिटी देखें तो ज्यादा कलर्स अच्छे लग रहे हैं मुझे रियलमी C30 के। यहां पर जूम इन कम कर लेते हैं एक बार, तब जाके देखते हैं। तो ये यहां पर आप करीब से देखिए, तो ज्यादा कलर्स आपको रियलमी C30 में देखने को मिलते हैं। जूम इन पावर को देखें तो लावा ब्लेज से आप 4x तक जूम कर सकते हैं, रियलमी C30 से देखें
इससे भी आप 4x तक ही जूम कर सकते हैं। तो लावा की जो जूम क्वालिटी है ज्यादा क्लियर आपको मिलती है रियलमी C30 से। इसके अलावा पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको दोनों में दिया गया है। मोर सेटिंग में देखें तो काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टाइमलैप्स मिल जाता है लेकिन दोनों मोबाइल आपको स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं देते हैं। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा, तो ज्यादा ब्राइट कैमरा आपको रियलमी C30 का देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लावा विलेज के फ्रंट सेल्फी कैमरा से 4x तक ही जूम कर सकते हैं। ये देखिए जैसा रियर से वैसा फ्रंट से भी आप 4x तक जूम कर सकते हैं, जबकि रियलमी C30 से आप फ्रंट कैमरा से कोई जूम वर्क नहीं करेगा। और एक और बार यहाँ पर लावा ब्लेज से आप पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी ले सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन रियलमी C30 जैसे हम पोर्ट्रेट मोड को ऑन करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट सेल्फी कैमरा छोड़ के रियर कैमरा ऑन हो जाता है, यानी कि फ्रंट कैमरा इसका पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये थे 8,700 और 8,300 रुपए की कीमत में मिलने वाले दो बेहतरीन बजट स्मार्टफोन। अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेज करना है तो इन दोनों स्मार्टफोन को स्किप कर दीजिए, और आपको नॉर्मली यूज के लिए चाहिए व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन का आप यूज करते हैं तो ये दोनों स्मार्टफोन आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहां भी बात है कि स्टोरेज अगर आपको ज्यादा चाहिए तो लावा ब्लेज आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, काफी यूनिक सा डिजाइन आपको मिल जाता है देखिए यहाँ पर, और काफी मजबूत लग रहा है। इन एंड फील आपको काफी कंफर्टेबल ये फील होगा। लेकिन जहां बात आती है प्रोसेसर की, सब कुछ तो लावा ने बहुत ही बढ़िया दिया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कैमरा अच्छा है, आपको सब कुछ अच्छा मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक सारा ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन यहां पर प्रोसेसर में मात खा गया, काफी आउटडेटेड चिपसेट आपको इसमें दिया गया है। वहीं रियलमी C30 इसमें आपको प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है, टाइप सी का सपोर्ट मिलता तो बढ़िया रहता, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता तो और भी बढ़िया रहता, कैमरा को कोई दिक्कत नहीं, सिंगल कैमरा बढ़िया है, 8 मेगापिक्सल का काफी कलरफुल कैमरा आपको इसका मिल जाता है। लेकिन काफी कमियां इसमें भी है, अब तो आपकी पसंद मैटर करती है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेस करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।